देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या कर दिया तूने? डर गए आप? मैं भी डर गया, मुझे लगा जैसे बम फटा। बम? अरे मैडम जी, मेरा मतलब बम फटता है तो ऐसे ही आवाज आती ना, फिल्मों में नहीं देखा आपने? तो फिर ये कैसी आवाज थी? वो स्टेपनी थी ना, बस की स्टेपनी टायर, वो फटा। गुनगुन, गुनगुन, गुनगुन आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, पर तुम जल्दी आओ ना, लेट हो रहा है। हाँ आ रहे। इस बैग में आखिर ऐसा है क्या? बच्चे ने सुसु की? वो अभी तक आया नहीं। जाइए ना, जाइए, लेके आइए। क्या करने आया है, क्या करना चाहते है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बॉम्ब अब चालू हो गया, इसे मुझे अब नीचे लगाना ही होगा। कुछ तो इशारा दिखाने जिससे हम बच। यही सही से मैं, वो आदमी आ जाए उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। हो गया दीदी? हो गया। आप इधर आइए, इधर रहिए, आवाज मत करना, एकदम नहीं करना, हम अभी आए। इतना टाइम क्यों लग रहा है इन्हें, पता नहीं क्या कर रहा है आदमी। काकी जी, बहुत जरूरी फोन करना है। काकी जी, हमें ना बहुत जरूरी फोन करना है, अपना फोन दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे, जान ना पहचान? पूरे 10 रुपए का रिचार्ज करवाए हैं, आज ही मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा। अब बस एक ही फोन करेंगे ना, बहुत जरूरी फोन है काकी जी, दे दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, काकी जी आप ना ये रख लीजिए। ये रख लीजिए, बस हमें एक फोन करने दे दीजिए ना काकी जी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नहीं है, मेरे हाथों में तो बहुत अच्छी लगेगी। अब देख लीजिए ना, लो काकी, लेकिन एक ही कॉल, एक ही करेंगे, एक ही। शुक्रिया। हो गया काम पूरा। मोहन भैया, आपके नंबर पर इस वक्त पता नहीं किस अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। हाँ? नहीं नहीं फोन मत काटो। सॉरी, हमने काट दिया। फोन क्यों काट रहे हैं आप? वापस फोन लगाइए उसे। हाँ। आप क्या करें? कहाँ गई वो लड़की? एक बार फिर से करके देखते हैं। ए, बस हो गया, एक ही बार बोला था। एक फोन करने दे दीजिए ना। नहीं नहीं, एक फोन के बाद हुई थी ना। ए छुटकू, वो लड़की तेरे साथ थी ना, वो कहाँ है? मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा। नहीं, ये किसका फोन है,
हमारे लिए ही है, हमारे मोंजी का है। दे दीजिए ना काकी जी, फोन नहीं, कट नहीं। जाएगा। बहुत मुश्किल से लगा है काकी जी, दे दीजिए ना काकी जी, दे दीजिए ना। ठीक है, फोन दे दूंगी, दे दीजिए ना, लेकिन ये झुमके मुझे चाहिए। क्या राधा फोन क्यों नहीं उठा रही है? हो सकता है राधा का फोन ना हो, किसी और ने फोन किया हो। हाँ हाँ बिल्कुल, ले लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब दे दीजिए ना काकी जी। लो कर लो कॉल। हेलो मोहन जी। हेलो राधा, तुम कहाँ हो और किसके फोन से फोन कर रही हो तुम? मोहन जी वो हम ना बस के बाहर आए थे तो एक काकी जी से हमने फोन लिया था, उन्होंने उन्हीं के फोन से आपको फोन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। क्या हुआ? मोहन जी आपको याद है वो जो चपरासी हमारे साथ बस में आया था? वो इंसान ना, वही इंसान ने जिसने हमें अगवा किया था। हाँ मोहन जी, और उसने ना नकली मस्सा पगड़ी सब लगा के आया है वो। हमें तो लगता है मोहन जी वो किसी इरादे से आया, जरूर आया कुछ करने के इरादे से आया वो मोहन जी। और आप पता है मोहन जी, हमारा फोन छीन लिया उसने और हमारा फोन उनके पास है। और केट की चीजी का भी फोन ना बस के बाहर फेंकवा दिया। मोहन जी हमें बहुत डर लग रहा है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली ऐसा लग रहा है, कुछ करिए मोहन जी। राधा तुम घबराओ मत, मैं बस पूछ रहा हूँ, तुम एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। वो मोहन जी हम ना वो पुराने मंदिर वाले रास्ते के पास है, वो जो जंगल के रास्ते से होकर जाता है वहाँ हम। मैं बस पहुँच ही रहा हूँ राधा, और किसी को कुछ कहना और करना मत, अगर उसे शक हो गया ना सबकी जान को खतरा हो सकता है राधा। जी मोहन जी नहीं बोलेंगे, पर आप जल्दी आ जाइए प्लीज। हेलो हेलो राधा, राधा मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? कुछ बोलो राधा। राधा बाके बिहारी जी, आज आपको मेरी मदद करनी होगी। आपकी और मेरी राधा की जान खतरे में, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। राधा गुनगुन कहती किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए बाके बिहारी जी। ये आप क्या कर रहे, छोड़िए ना। मुझे लगा है आपके गहने छीन रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमने खुद अपने गहने इनको दिए, तो कृपया ना छोड़ दीजिए, छोड़िए ना। वैसे भी जहाँ तुम लोग पहुँचने वाले हो ना, वहाँ गहनों की जरूरत नहीं है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। ए चल ले। क्या कह रही मैडम जी, किससे बात कर रही थी वैसे? वो हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई ना, तो इनसे फोन लेकर हम अपने परिवार में सबको कह रहे थे कि सब ठीक है। अच्छा बात हुई? नहीं फोन ही नहीं लगा। हाँ तो चलिए बस में चलिए चलिए। भाई साहब अंदर आ जाओ, बच्चों की कंपटीशन के लिए लेट हो रहा है। अरे आप लोग निकलिए,
हम यहीं रुकेंगे, कुछ जरूरी काम है। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। चलिए नमस्ते। ये उतर रहे हैं क्यों? अचानक क्या हुआ? हाँ ठीक है ठीक है, जाइए आप अपना जरूरी काम कर लीजिए। नमस्ते। था बच गए, पर ना पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो जाता। पर चीची, आपको अजीब नहीं लग रहा है कि वो ऐसे बीच रास्ते पर उतर गया? थोड़ी देर में फटेगा बाउल और मनेगी दिवाली। ये खुशखबरी जल्दी से दामिनी मैडम को बताता हूँ। नहीं पता बम लगा पाया है नहीं। हेलो। हाँ जी मैडम जी, हो गया आपका काम। आपकी दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। मैं भी बस से उतर गया हूँ। वेरी गुड, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कोई चांस ही नहीं मैडम जी। आपकी दुश्मन राधा अब अपने जीवन की आखिरी सांस गिन रही है। अब तो स्वयं भगवान भी आ जाए तो भी नहीं बचा सकती उसको। मोहन भैया आप चिंता मत कीजिए, वो लोग इसी रोड पे हैं, बस हम थोड़ी ही देर में उन तक पहुंच जाएंगे। एक तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि उस आदमी की राधा से क्या दुश्मनी है। मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि आज के बाद वो राधा के पीछे कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सासुमा का फोन। हाँ सासुमा। जवाई जी क्या हुआ, आप और मोहन पहुंचे कि नहीं बस तक? राधा गुनगुन केतकी सब ठीक है ना? अरे नहीं सासुमा, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मोहन जी आपको याद है वो जो चपरासी हमारे साथ बस में आया था? वो इंसान ना? वही इंसान है जिसने हमें अगवा किया था। तो लग रहा है मोहन जी वो किसी इरादे से आया, जरूर आया कुछ करने के इरादे से आया वो मोहन। वाह क्या हुआ? अरे कुछ तो बताइए हुआ क्या? गुनगुन राधा कैसी सब उसी बस में किडनैपर के साथ, उनके साथ साथ स्कूल के बच्चों की जान भी खतरे में है। ओह नो, केतकी गुनगुन। हे प्रभु, क्या कर रहे हो प्रभु? कुछ ना कुछ अनर्थ किए जा रहे हो इस विधवा के साथ? हाँ क्या परिवार पे दुखों का पहाड़ दे रहे हो प्रभु? इससे तो अच्छा होता कि आप हमें एक ही बार में ऊपर बुला लो प्रभु, लेकिन हमारे परिवार को छोड़ दो प्रभु। ओके। खुद को संभालो कादंबरी, मोहन गया है ना, वो किसी को कुछ नहीं होने देगा। तो ये था तेरा प्लान? राधा तुम हर बार मेरे हर वार से बचती आई हो, लेकिन इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ना मोहन ना तुम्हारी बाकी बिहारी जी।
सब कुछ ठीक होके भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो आदमी इतनी आसानी से हमें ऐसे कैसे छोड़कर चला गया? कोई तो बात जरूर है। हमारा तो फोन ही बंद है, क्या होगा? काका जी आपके पास फोन है? हमें ना एक फोन करना है मोहन जी को। बिटिया फोन तो है पर रिचार्ज खत्म हो गया है, उस फोन से किसी को फोन जाएगा नहीं। पर परेशानी की कोई बात नहीं है, अब तो हम इतना दूर आ चुके हैं कि वो हमारा पीछा भी नहीं कर पाएगा। राधा क्या हुआ? केतकी जी, वो जब हम बाहर गए थे ना, वो हमने काकी जी से फोन लेकर मोहन जी को फोन करके सारी बात बता दी थी। बस मोहन जी हमें ढूंढते हुए आते ही होंगे। मोहन भैया आ जाएंगे तो हम उन्हें कह देंगे कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो साइको तो चला गया, अब हम सब सेफ हैं। दिमाग तो कह रहा है कि हम सब ठीक हैं पर दिल नहीं मान रहा है। वो आदमी ना यहाँ जरूर किसी राधे से आया था, उसके पास चाकू भी था, हमने खुद देखा था। और इतना तमाशा करने के बाद वो ऐसे कैसे कहाँ चला गया? कुछ तो अजीब है। राधा मैंने भी बैग खोलने की कोशिश की थी पर जब तक मैं बैग खोलती वो आ गया और उसने बैग छीन लिया। पर मुझे उस बैग में से कुछ टिक टिक आवाज आ रही थी। मुझे लगा जैसे बम फटा। बम? वो स्टेपनी थी ना, बस की स्टेपनी टायर, वो फटा। केतकी जी, मतलब उस बैग में जरूर कुछ है। वो आदमी ना यहाँ जरूर किसी राधे से आया था और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ ना वो चला गया। कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तो रास्ता बदल रहा है, कहाँ हैं आप मोहन जी? किस तरफ जाए समझ? बाकी बिहारी जी आप ही रास्ता दिखाइए। हमेशा आप राधा की मदद करते हैं ना, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, आपको मुझे रास्ता दिखाना पड़ेगा। बाकी मैडम, अरे मोहन भैया कहाँ जा रहे हो? राधा और बच्चे तब तक और दूर निकल जाएंगे। राधा के झुमके और वॉच? किस लिए आया था वो यहाँ और कहाँ चला गया? मोहन जी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए ना। ये इयररिंग्स और ये घड़ी आपको कहाँ से मिली? कहाँ से मिली मतलब ये हमारे हैं, हमारे उन्होंने ला करके दिया। नहीं ये मेरे दोस्त के हैं, ये राधा के हैं ना, मैंने देखा था उसे पहनते हुए, पता है ये कहाँ मिले आपको? लगता है ये ऐसे नहीं बताएंगी, हम पुलिस को बुलाएंगे ना तो सब बताएंगी, हम नहीं बुलाएंगे तो और कौन बुलाएगा? ये पता भी देगी तो क्या कर लोगे मोहन बाबू? पास तो गोले की तरह निकल चुकी है, अब ना तुम अपने बेटे को बचा पाओगे और ना ही राधा को। अब तुम्हें राधा और गुनगुन की आवाज नहीं सुनाई देगी, सिर्फ धमाके की आवाज सुनाई देगी।
ध्यान से सुनो, ये आवाज तुम्हारी मौत की है। एक बहुत खास खबर लाया हूं तुम सबके लिए, खास करके लहंगे चोली वाली के लिए। मैं वही हूं जिसने तुझे जिंदा गाड़ दिया था और तू फिर भी जिंदा बच गई थी। इस बार जिस परेशानी में डाला है ना, देखते हैं इससे कैसे तू बाहर निकलती है। जिस बस में तू बैठी है ना, उसके नीचे मैंने बम लगाया है। और हाँ, बस को रोकने की सोचना भी मत। अगर बस की स्पीड 60 से कम हुई ना, तो बम अपने आप ही फूट जाएगा और तुम सब के सब मर जाओगे इसमें।